EM3 स्टूडियो का भव्य उद्घाटन EM3 के ओनर सतीश कामत और रंजन शर्मा के हाथों से हुआ। खारगर सेक्टर 21 में और वही EM3 स्टूडियो के सभी टीचर्स और फैमिली मेंबर्स उपस्थित रहे। आपको बता दें, सोशल मीडिया के ज़माने में EM3 स्टूडियो लेके आया है कलाकारों को अपनी कला दिखाने और उसको पूरा करने का मौका। जैसे सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, कॉमेडी, योगा, एक ही छत के नीचे इतने सारे एक्टिविटीज़ करने का मौका दे रहा है EM3 स्टूडियो। और वही मीडिया से बात करते हुए EM3 स्टूडियो के ओनर सतीश कामत ने बताया क्या है उनका सपना EM3 स्टूडियो को लेकर। नमस्ते, ये हमने आज EM3 स्टूडियो ओपन किया है। तो इसका एक ही मकसद था कि जितना भी न्यू बॉम्बे में टैलेंटेड लोग हैं उनको एक स्टेज मिले, प्लेटफॉर्म मिले, उस सोच के साथ तो मैंने एक सोचा कि यहाँ पे एक ऐसा चीज़ बनाऊँ। क्योंकि मैं भी एक सिंगिंग करता हूँ, तो मैं जब भी सिंगिंग करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कहाँ पे भी गाना है, तो फिर वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो रोटरी वाले ने तो प्लेटफॉर्म ही दिया था, बट वो पे रेगुलर बेसिस पे मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो मुझे नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद अपने लिए एक बनाऊँ, फिर उस हिसाब से मैं सोशल भी करूँ, जिनके लिए जो टैलेंट लोग हैं, जो गाना गाते हैं, जो मिमिक्री करते हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, जिनको डांस कर सीखना है, तो वो उनके लिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म बनाओ और बस ओके। इससे तो मैंने सोचा और ये आज आपके सामने है। और EM3 स्टूडियो के ओनर रंजन शर्मा ने बताया कैसे EM3 स्टूडियो से जुड़ के अपना हुनर दिखा सकते हैं। एक्चुअली हमारा प्लान है कि ये स्टूडियो को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि पीपल कैन कम एंड शो देयर टैलेंट विल शूट, एंड वी हैव अ यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम और फेसबुक, तो सोशल मीडिया के थ्रू एक जरिया है जिसके थ्रू लोग कनेक्ट हो सकेंगे और उनकी जो टैलेंट है वर्ल्ड वाइड पहुँच पाएगी। सो दिस इज टारगेट कि जो टैलेंटेड लोग हैं नवी मुंबई के, सिर्फ नवी मुंबई के नहीं, मुंबई के भी लोग हैं, वो आ सकेंगे यहाँ पे और अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, चाहे वो रैपर हो, डांसर्स हो, या फिर स्टैंड अप हो, या फिर किसी को स्टोरी टेलिंग करना है, पोएट्री करना है, कोई ऑथर है जो आके अपने स्टोरी के बारे में या उनकी इनॉग्रेशन यहाँ पे चाहे तो कर सकते हैं। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो हमने कोशिश की है कि इस बार बनाए, और अगर सब कुछ अच्छा रहा, लोगों का सपोर्ट और प्यार रहा, तो हम डेफिनेटली इससे बड़ा स्टूडियो भी बना पाएंगे। ऑब्वियसली हमारे पास टीम है, अलग अलग फैकल्टी हैं जो कि उनको ट्रेन करेंगे, जिनको आता है वो खुद परफॉर्म करेंगे, बट जिनको नहीं आता है वो हमारे यहाँ आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। अलग अलग क्राइटेरिया के लिए अलग अलग ट्रेनर्स हैं जो उनको ट्रेन करेंगे। योगा के लिए योगा टीचर हैं, डांस के लिए मैं खुद हूँ, कोरियोग्राफर हूँ, एंड सिंगिंग के लिए अलग हैं, गिटार के लिए अलग हैं, कीबोर्ड्स के लिए अलग है, सो क्लासिकल म्यूजिक के लिए अलग है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो हमारा हमेशा से टारगेट रहता है कि कभी भी कुछ स्टार्ट करें तो एम्प्लॉयमेंट मिले। और काफ़ी सारे लोग जो इस फील्ड में रहना चाहते हैं, आर्ट फील्ड में रहना चाहते हैं, उनका सर्वाइव हो सके, सो दिस इज द टारगेट। और वही आए EM3 स्टूडियो के उद्घाटन के टाइम लोगों ने EM3 स्टूडियो की जम के तारीफ की। मेरा नाम है सतीश छानबाग, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो सतीश कामत मेरे मित्र हैं, ये सिंगर हैं, हमारा एक IFRM करके एक संस्था है, दैट इज इंटरनेशनल फोरम फॉर रोटरी म्यूजिशियंस। तो हमारा 4 साल से हम वहाँ पर परफॉर्मेंस करते हैं, जिसको सिंगिंग करना है, जिसको मिमिक्री करना है, जिसको डांस करना है, वो रोटरी के माध्यम से ये जो संस्था है IFRM, इसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारे संस्था में एक सतीश कामत जी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं, उनका बहुत सुरीली आवाज़ है, बहुत अच्छे से गाते हैं। सिर्फ IFRM के फोरम पर नहीं, बहुत सारे बाकी के फोरम पर भी इनको इनवाइट किया जाता है, जहाँ पर जाके सिंगिंग करते हैं, और बहुत सारी जगह से बहुत कुछ प्राइजेस भी जीत के आए हुए हैं। तो इनका एक पैशन था कि अपना एक खुद का एक स्टूडियो हो जाना चाहिए, और ये खारगर के और नई मुंबई के जो वासी हैं, ये लोगों को जिनको सिंगिंग का इंटरेस्ट है या कोई बाकी का टैलेंट डांस, योगा और कोई भी बाकी एक्टिविटीज़ में, हेल्थ इम्प्रूवमेंट में जिसको भी इंटरेस्ट है, उनको सब एक प्लेटफॉर्म मिले जो कन्वीनियंटली प्लेस्ड हो, सबको आते जाते यहाँ पर आ करके
अपने पैशन को पूरा करने का एक मौका मिले, इस मकसद से इन्होंने एक स्टूडियो ये आज खोला हुआ है। तो यहाँ से इस स्टूडियो के वजह से यहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा। जो भी कितने भी बिजी आदमी हो, वो ऑफिस से घर जाते वक्त यहाँ पर आकर के एक 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा स्पेंड करके सिंगिंग करने में या कोई डांस करने में या कोई मिमिक्री करने में, इसमें अगर रुचि रखता है यहाँ पर आके अपना शौक पूरा कर सकता है। इसी शुभकामना के साथ मैं दो शब्द समाप्त करता हूँ। मैं सबसे प्रथम आज EM3 स्टूडियो का जो ओपनिंग सतीश कामत जी और रंजीत जी ने किया है, उसके लिए मैं बहुत सारी ढेर कामनाएं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसके साथ ही मैं कम से कम 2-3 महीने से देख रहा हूँ, मेरा ऑफिस बाजू में ही खारघर कॉलोनी फोरम का मैं समन्वयक हूँ, वो हिसाब से मैंने बहुत दिन से सतीश जी को बोला था कि अच्छी बात है आपने स्टार्ट किया है, ये इट्स गुड न्यूज फॉर सिटीजन ऑफ खारघर, दे कैन कम एंड डांस एंड सिंगिंग। तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म इन लोगों ने उपलब्ध किया है और इसका सिटीजन ऑफ खारघर में इसका उपयोग लेना चाहिए और यहाँ एंजॉय करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसके साथ ही मैं बहुत सारी शुभकामनाएं और ऐसा ही और दोस्त और सारे बहुत सारे स्टूडियो अलग अलग नोड में इनके खुले, यही शुभकामनाओं के साथ मैं रुकता हूँ। धन्यवाद। All the best to the entire team. This is a nice initiative by the team, and hopefully the members of near vicinity of this Khargar will benefit from this new initiative. So all the best, guys, and make a Khargar very healthy and energetic center again. Thank you. See, I am myself an author, और एक author बनने के पहले मुझे भी ऐसा लगा कि ये author बनना कोई easy काम है या नहीं, but जितना मैंने देखा कि लोगों को एंकरेजमेंट मिलना और फाइनली एक पब्लिश बुक निकालना, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, या जहाँ हम देख रहे हैं आज इस माहौल में हर कोई एक कला की दृष्टि से अपना एक संदेश सोसाइटी तक पहुँचाना चाहता है, एक वजूद बनाना चाहता है। रंजन जैसे लोग हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर मंच दिया है, और वो ये मंच एक ओपन माइक की तरह है जहाँ आप आए अपने टैलेंट को इजहार करें लोगों के सामने, एंड नेचुरली इफ यू आर टैलेंटेड then there are ways that this talent actually reaches out to people. इनका जो initiative है इसमें आप यहाँ perform करेंगे तो इसके साथ इनका YouTube channel से जुड़ा होता है, और उस YouTube channel के जरिए से आप दुनिया भर अपने talent को दिखा सकते हैं और आपको बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए मुझे लगा कि आज खास इस दिन पे मुझे यहाँ आना चाहिए, हालांकि मेरे 5 दिन पहले ये बुक रिलीज हुई है लव स्टोरी वाला। आज रंजन के थ्रू मैं ऑफिशियली इस बुक को यहाँ ये अगस्त ऑडियंस के सामने लॉन्च करना चाहता हूँ, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे इस जर्नी में एक हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं कमिट करता हूँ रंजन के लिए कि मैं यहाँ पे आके इनके ऑडियंस के लिए इस बुक के कई स्टोरीज रीड आउट करूँगा, और जिन जिनको ऑथर बनना है या स्टोरी लिखना है उनको मैं हेल्प करूँगा टू बिकम स्टोरी वाला। हाय एवरीवन, दिस इज रंजन शर्मा, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे आज स्टूडियो में, नए स्टूडियो में मेरे कुछ अच्छे लोग जिनके साथ मैं हमेशा रहता हूँ, मेरे जो ट्रेनर हैं, मेरे फ्रेंड हैं, और मेरी स्टूडेंट है और मेरी मिसेस भी है। सो तो थैंक यू सो मच फॉर आने के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि नवी मुंबई को और मुंबई को बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट डिलीवर करें और दे उनको कि वो जाके बड़े मंच पे कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो ये स्टूडियो खोलने का टारगेट ये इसलिए था। तो मेरे साथ मेरे ट्रेनर हैं, ये है जुम्बा ट्रेनर, ये है योगा ट्रेनर, वो है डांस ट्रेनर जो उधर हैं, और आप लोग कुछ बोलना चाहें तो प्लीज। एक्चुअली वी आर लकी कि हम इस स्टूडियो का एक हिस्सा बने, और मेरे लिए फिटनेस बहुत मैटर करता है, एंड मुझे लगता है फिटनेस नॉट फॉर बॉडी, इट्स मेंटल हेल्थ। सो फिटनेस की दुनिया में EM3 स्टूडियो में अब आप सबका स्वागत है, प्लीज जॉइन अस, थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रूपाली, एंड आई एम टेकिंग योगा ट्रेडिशनल एंड प्राणायाम एंड मेडिटेशन एंड थेरेपेटिक योगा हियर। सो दोज हु वांट टू फिट देयर सेल्फ और दोज हु वांट टू वर्क ऑन देयर एलिमेंट्स, दे कैन कम एंड जॉइन एंड एंजॉय द योगा सेशंस फॉर हेल्दी लाइफ। थैंक यू। मेरा नाम विकास पटेल है और मैं ये EM3 डांस स्टूडियो में प्रोफेशनली हिप हॉप सिखाने वाला हूँ, मतलब सिर्फ हिप हॉप नहीं बाकी सब भी, लेकिन हिप हॉप ज्यादा फोकस करेंगे अपन, और बस बॉलीवुड ना ज्यादातर हिप हॉप सिखाने वाले हैं, बॉलीवुड थोड़ा कम रहेगा लेकिन बॉलीवुड भी रहेगा, लेकिन ज्यादातर हिप हॉप सिखाएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एंड एंटरटेनमेंट वेब चैनल, खारगर, नवी मुंबई।